हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के अंतर्गत समांतर क्रम संयोजन को। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन को समझा दिया था और ये जो है कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। तो हम लोग समांतर क्रम को संयोजन को पहले समझेंगे, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन की सहायता से हम लोग तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और एक एक चीज को हम लोग समझते जाते हैं कि किस प्रकार से समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित किया जाएगा और उससे तुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो समांतर क्रम संयोजन को मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, समांतर क्रम संयोजन। तो इसे समझाता हूँ। संयोजन इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे प्रतिरोधों को एक साथ क्या करेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। इसमें एक के ऊपर एक ऐसे करके हम लोग क्या करते जाएंगे, संयोजित करने वाले हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था कि एक लाइन में, एक पंक्ति में, एक रेखा में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। इसमें हम लोग इस प्रकार से संयोजित करेंगे कि एक प्रतिरोध मैंने यहाँ पे लिया, ये प्रतिरोध इस प्रकार से, फिर बीच में एक प्रतिरोध लिया इस प्रकार से, फिर तीसरा प्रतिरोध मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। तो ये मैं तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लेके समझा रहा हूँ। चाहो तो आप कितना भी प्रतिरोध ले सकते हैं। मैं तीन प्रतिरोध लेके पिछले बार में भी समझाया था, इस बार भी मैं समझा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बनाइएगा, इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, इसको लंबा कर रहा हूँ, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस प्रकार से जोड़ना है। और इस बिंदु को एक बिंदु लेना है, ये दूसरा बिंदु लेना है, और इन दोनों बिंदुओं के मध्य इसको ए बिंदु लेता हूँ, इसको बी बिंदु लेता हूँ, और यहाँ पे इन बिंदुओं के मध्य मैं यहाँ पे एक सेल जोड़ देता हूँ इस प्रकार से, और एक कुंजी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है इस प्रकार से। इस कुंजी को मैं खुला रखता हूँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाता है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस समांतर क्रम संयोजन को एक बार देखिए और इसको अपनी भाषा में बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा तो इसको ऐसे बोलूंगा, ये पहला सिरा है पहले प्रतिरोध का, ये दूसरा सिरा है इसका, इसका पहला सिरा है, ये दूसरा, इन तीनों का दूसरा सिरा है। तो पहले सभी प्रतिरोधों का, प्रत्येक प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले बिंदु पर, अब प्रत्येक प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित किया जाता है, और पहले प्रत्येक प्रतिरोध के पहले बिंदु और दूसरे के दूसरे बिंदु को दोनों के मध्य हम लोग जोड़ते हैं एक सेल को। इस प्रकार से जो संयोजन बनता है इसे हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। अब इस समांतर क्रम संयोजन के आधार पर हम लोग निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर तुल्य का मान निकालना है, आर तुल्य का मान निकालना है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ये जो है पेपर में बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इसके लिए हम लोग व्यंजक स्थापित करेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन में आपको तुल्य प्रतिरोध निकाल के बताया था, उसी आधार को यूज करते हुए, और साथ ही साथ मैंने आपको संधारित्र के वीडियो में भी जब मैं आपको समांतर क्रम समझाया था तो उसी तरीके को यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो सबसे पहले इस सर्किट को हम लोग पूरा करेंगे। सर्किट को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं इस कुंजी को। कुंजी जब चालू हो जाएगी तो ये सेल के द्वारा यहाँ पे ए और बी बिंदुओं के मध्य, यानी यहाँ पर आपका लगाया जाएगा विभवांतर। विभवांतर को मैं वी लेता हूँ, ठीक है। और ये जो विभवांतर है ये प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोधों में क्या हो जाता है, फैल जाता है, बढ़ जाता है, किंतु बटेगा तभी जब यहाँ पे बिंदु बदल जाएंगे। क्या बोला, अगर वोल्टेज तभी बदलते हैं जब बिंदु बदल जाते हैं। यहाँ पे देखो सभी प्रतिरोध जो है वो एक ही बिंदु पर क्या है, संयोजित है। देखो ए बी, ये वाला भी ए बी, ये आर टू वाला भी ए बी, आर थ्री वाला भी ए बी, तो ये सभी प्रतिरोध एक ही बिंदु पर संयोजित होने के कारण इनके मध्य लगा गया विभवांतर हमेशा बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने पिछले बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध सभी जगह समान होगा, यानी इसके लिए आपके पास भी हो जाएगा, इस प्रतिरोध के लिए भी आपके पास भी हो जाएगा, इस प्रतिरोध के लिए भी आपके पास विभवांतर वी हो जाने वाला है। अब क्या होता है कि जैसे विभवांतर लगता है तो यहाँ पे सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो यहाँ पे विद्युत धारा चालू हो गई, यहाँ पे आई, इधर भी जाएगा तो यहाँ पे आई, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इस बिंदु पर आएगा तो चूंकि यहाँ पे तीन रास्ते हो जाते हैं,
धारा को प्रवाहित होने से आपका परिपथ पूर्ण हो जाता है। अब इस समांतरक्रम संयोजन की सहायता से तुल्य प्रतिरोध यानी आर तुल्य का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस परिपथ के लिए एक तुल्य परिपथ का निर्माण करेंगे, जो कि हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध को एक प्रतिरोध मान लेंगे। कुछ इस प्रकार से मैंने एक प्रतिरोध मान लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके इस ये बिंदु और ये बिंदु जो है आपका यहाँ पे ए और बी है, तो मैं ए बी ले लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। इस प्रतिरोध का नाम मैं लूंगा आर तुल्य, क्योंकि हम लोग तुल्य परिपथ बना रहे हैं यहाँ पे। तुल्य परिपथ हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस इन दोनों सिरों के मध्य हम लोगों ने एक सेल को जोड़ा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपके पास एक कुंजी है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने बंद कर दिया है, जिससे आई धारा प्रवाहित होती है पूरे परिपथ में, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका आई धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगा, तो ये हो जाएगा इस परिपथ का एक तुल्य परिपथ, जिससे हम लोग आर तुल्य आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में जब श्रेणी क्रम बताया था, तो मैंने एक बात बताई थी कि आपको अगर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से ऐसा कौन सा मान है जो बाद में बदल रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो धारा का मान है आई, वो जो मान है वो आपका बदल रहा है, बढ़ रहा है। यानी आपका जो टोटल धारा I है वो आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 से मिलकर बना हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस I3 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अतः आपको I1, I2 और I3 का मान आपको निकालना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था कि जो टोटल वाला जो मान होता है I, वो आपका तुल्य परिपथ से निकलेगा, और बाकी I1, I2, I3 ये सामान्य परिपथ इस परिपथ से निकलेगा, क्योंकि I1, I2, I3 जो है यहाँ पे, और आपका आई जो है यहाँ पे है इस जगह पे जो पूरे परिपथ में बह रही है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आर आई, यानी वी दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपके पास सेल के मध्य विभवांतर जो लग रहा है वो वी लग रहा है, तो वी है आपके पास, आर है आपके पास, आई है आपके पास। तो अब हम लगा सकते हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम से यहाँ पे सूत्र होता है V बराबर R I। इस सूत्र का उपयोग करना है आपको, तो ये सूत्र में V आपको इस परिपथ में देखना है, तो V ही है आपके पास, R जो है आपके पास R तुल्य है, और आपके पास I जो है वो I है इस धारा जगह पर। यहाँ से अपने को I का मान निकालना है। क्यों I का मान निकालना है, क्योंकि आपको ये टारगेट मिल चुका है कि इसमें आपको रखना है, चूंकि ये बदल रही है बाद में, तो I का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा। I का मान जब निकालेंगे तो R तुल्य को पक्षांतर करेंगे, तो गुणा हो रहा है इधर जाके भाग हो जाएगा V के साथ, तो I का मान आएगा V बटे R तुल्य इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आपको I का मान मिल गया है, समीकरण एक हो गया। तो इसी प्रकार I का मान निकाल लिया आपने, अब I1, I2, I3 का मान निकालना है। तो इस परिपथ में आइएगा, और यहाँ पे पहले प्रतिरोध में बहिर्भूत धारा I1, फिर दूसरे प्रतिरोध में I2, फिर तीसरे प्रतिरोध में I3 निकालने वाले हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि पहले प्रतिरोध R1, पहले प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा। तो ये क्या है आपके पास I1 है, यहाँ पे बहने वाली धारा I1, इसका जो यहाँ पे हम लोग I का यूज़ कर रहे हैं, तो I का सूत्र ये हो गया I बटे V बटे R करके, तो I1 बटे क्या हो जाएगा, विभवांतर तो आपके पास V है, और प्रतिरोध क्या है आपके पास R1 है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर निकालें R2 के लिए अगर निकालें, उसमें बहने वाली धारा का मान, तो हो जाएगा I2 धारा इसमें बह रही है, फिर इसका जो विभवांतर है वो है आपके पास V, विभवांतर तो सेम है, और प्रतिरोध है R2। इसी प्रकार आपके पास तीसरे प्रतिरोध के लिए आप जब गणना करने के लिए जाएंगे, तो तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए, तो इसके लिए आपके पास विद्युत धारा जो निकल के आएगी वो आएगा I3 बराबर विभवांतर आपके पास V, और प्रतिरोध है आपके पास R3। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपने I का मान, I1 का मान, I2, I3 का मान निकाल दिया। अब इसी सूत्र में आपको क्या करना है, रखना है। ये सूत्र कैसे बनता है, यहाँ से आपके पास I धारा जो है वो I1, I2, I3 धारा में विभक्त हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं यही विभक्त हो रही है, इसलिए सभी का मान निकाल दिए हैं, जो बदलता है उसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे परिपथ में कुल धारा का जो मान है वो है आपके पास I, जो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 से मिलकर बना है। इस सब का मान मैं यहाँ से 1, 2, 3, 4 समीकरण से निकालता हूँ, तो समीकरण 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब का मान लिख दे रहा हूँ। I का मान आपके पास है यहाँ पे V बटे R तुल्य, तो V बटे हो जाएगा R तुल्य, फिर आपके पास हो जाएगा V बटे I1 का मान जो है V बटे R1, तो मैं V बटे R1 यहाँ पे लिखता हूँ, फिर दूसरा वाला है V बटे R2, तीसरा वाला है आपके पास V बटे R3। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि V जो है यहाँ तीनों में आपके पास
समान है तो उसको कॉमन निकाल दिया। हम लोग दिख रहे थे कि 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 बच जाएगा, इधर आपके पास बचेगा v/r तुल्य, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे v और v कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, समान है और गुणा में है। तो 1/r तुल्य का जो मान निकल के आएगा वो मान निकल जाएगा 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ठीक है। तो ये जो है आपका तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकल के आ गया, जो अपना एक टारगेट था आर तुल्य का मान निकालना। लेकिन ये जो मान है वो तीन प्रतिरोधों के लिए था जो कि हम लोगों ने सर्किट में बनाया था। मैंने ये भी बताया था कि आप कई प्रतिरोध को आप इसमें जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास आगे और भी इसके मान प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम निकालें इन प्रतिरोधों के लिए, समझ लेते हैं कि आपके पास इन प्रतिरोध है, तो इन प्रतिरोध के लिए, इन प्रतिरोध के लिए अगर तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो 1/ हो जाएगा आर तुल्य। बस इसी सूत्र में काम करना है, इसी सूत्र में आपको, तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 हो जाएगा। फिर आगे वो बढ़ेंगे बहुत सारे मानों के लिए, तो कम से कम आपको आर एन तक मान चाहिए, तो आर एन मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपको मिलता है तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक समांतर क्रम है, जिससे आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे कि सभी जो है 1/ आया है। 1/ में आने का मतलब होता है व्युत्क्रम। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको देख करके कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के सदिश योग के, सदिश योग या फिर बोलो बीजगणित योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको देख करके इसको बोल सकते हैं, जो कि इसको पूछा जाता है कभी कभी इसमें कि समांतर क्रम में क्या होता है। तो समांतर क्रम में होता है कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ये मिला यहां से। अब मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन है आपके पास कि आपको R1 का मान दे दिया है 2 ओम, फिर यहां पे दिया है R2 का मान आपके पास 2 ओम, 4 ओम, ठीक है, 4 ओम। अगर इसका आप तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें किससे, इस समांतर क्रम संयोजन से, तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र ये होता है 1/r तुल्य बराबर 1/r1 हो जाएगा, दो प्रतिरोध है तो 1/r2 तक में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ यहाँ पे, तो 1/r तुल्य का जो मान आएगा वो आएगा आपके पास 1/r1, r1 का मान 2 है, फिर r2 का मान आपके पास 4 है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे 4, और ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपके पास, और बटे में आपके पास आएगा 2 चौक 8, नीचे वाले को भी गुणा करेंगे, तो ये तो 2 के पहाड़े में कट रहा है, 2 3 6 और 2 चौक 8, ठीक है। तो ये आपके पास 1/r तुल्य का मान आ चुका है, कितना आपके पास 1/r तुल्य का मान आया है आपके पास 3/4। लेकिन आपके पास आर तुल्य का मान निकालना है, आपको आर तुल्य का मान निकालना है, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो इसके मान के लिए आप ये 1/ में आए हुए हैं, तो एक इधर इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, वैसे इसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास 1/r तुल्य का जो मान निकल के आएगा, सॉरी, 1 r तुल्य ऊपर में चला जाएगा, तो आर तुल्य का जो मान निकल के आएगा, ठीक है, ऊपर में चला जाएगा, एक नीचे में आ जाएगा, एक को कोई नहीं लिखते, ठीक है। तो आप लोग आर तुल्य का मान आएगा वो आएगा 4/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.33 ओम प्राप्त होगा आर तुल्य का मान, आर तुल्य का मान 1.33 ओम प्राप्त होगा, ठीक है। तो इससे एक बात सिद्ध होता है कि आपके पास जो दिए गए प्रतिरोध थे 2 ओम और 4 ओम, इससे जो है छोटा मान निकल के आता है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा कि आपके समांतर क्रम में, समांतर क्रम सृजन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान आता है वो दिए गए प्रतिरोध से छोटा आता है, जो कि आगे आपको ये चीज समझ में आएगा कि मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन को तो पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता दूंगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू क्लास को करने वाले हैं, कुछ और चीज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।